पहले एक डर तो यही रहता है बच्चों को, गेट एग्जाम मतलब बहुत ही टफ एग्जाम है। इतना भी टफ नहीं है, टफ एक्चुअली एमटेक है, क्योंकि उसमें तुमको प्रोजेक्ट्स करने हैं, रिसर्च करना है। गेट इज जस्ट द गेटवे फॉर द अपॉर्चुनिटी, बेसिक लाइन वही है। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशन सुमेर सिंह शो पॉडकास्ट। तो आज के पॉडकास्ट का टॉपिक का नाम है अ 101 गाइड टू गेट एग्जाम्स। भाई इंजीनियरिंग में सबसे बड़ा वन ऑफ द टॉपिक होता है गेट। मेरे को यार कितने बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं भाई गेट के बारे में तो कुछ बताओ यार, अब इंजीनियरिंग पास एग्जाम्स कर लिए, सब कर लिए, पर गेट भी तो एक हिस्सा है यार। जॉब के साथ गेट की तैयारी किस तरह से करूँ, गेट एग्जाम्स की एलिजिबिलिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें। तो मैंने यार मैं बताने से अच्छा मेरे एक दोस्त को मैं बुलाता हूँ अपने पॉडकास्ट में, क्योंकि यार वो उस चीज़ में बहुत स्पेशल है। तो आज के अपने पॉडकास्ट के गेस्ट का नाम है श्रेनिक जैन, और श्रेनिक पिछले 5 साल से गेट के बच्चों को गेट की तैयारी करा रहा है। उसने 10,000 से ज़्यादा बच्चों को गेट की प्रिपरेशन करवाई है, और ही हैज़ 3 यूट्यूब चैनल, जिसमें एक चैनल श्रेनिक जैन मोर देन 100 के सब्सक्राइबर्स भी है। सो श्रेनिक जैन इज़ एन एंटरप्रेन्योर, ही इज़ एन एजुकेटर, एंड मेन चीज इज़ अ मोटिवेटर मैन। तो वो जो बातें बताएगा ना भाई, वो मेरे से काफ़ी अच्छा बताएगा। तो बोला चलो श्रेनिक जैन से बात करते हैं भाई, अपने बच्चों को गेट के बारे में सब बताते हैं यार सब। तो आज के वीडियो में आपकी सारी क्वेरी क्लियर हो जाएगी कि गेट एग्जाम क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, बेनिफिट्स क्या होती है, प्रिपरेशन किस तरह से करना है, सब कुछ। तो चलो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। सो हे श्रेनिक, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशन्स यूट्यूब चैनल पॉडकास्ट। सो भाई कैसा है ना यार, गेट की बात आती है तो यार मैं श्रेनिक से बहुत टाइम से हम लोग दोस्त लोग हैं, तो वो पहले से ही वो क्या यार गेट बहुत तगड़ी चीज़ है, और उसमें वो पहले से है ये मैं जानता था श्रेनिक के बारे में। तो मेरे को बहुत लोग पूछते हैं कि गेट के बारे में सो मेरे एक वीडियो बनाओ, तो मैं यार मैं बनाऊंगा इससे अच्छा यार मेरे भाई को पूछता हूँ, क्योंकि वो चीज़ में बहुत टाइम से काम कर रहा है, तो वो ज़्यादा अच्छे से चीज़ें बता पाएगा। तो मैं एक पॉडकास्ट करते हैं। तो वेलकम टू अवर चैनल भाई। थैंक यू लास्ट मोमेंट ट्यूशन फॉर इनवाइटिंग। सबसे पहले तो बताना चाहता हूँ ये मेरा पहला पॉडकास्ट है, तो थोड़ा नर्वस भी हूँ, थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ। तो सबसे पहले कहना चाहता हूँ लास्ट मोमेंट ट्यूशन को मैं भी जब मैं कॉलेज टाइम से देख रहा था, सो आई टुक अ लॉट ऑफ हेल्प, सो ही इज डूइंग ऑसम वर्क ना। तो ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना अगर इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट्स हो यार, ठीक है। मैं और श्रेनिक हम लोग पहले से ही मेहनत कर रहे थे ना, जब भी शुरुआत में तो हम एक दूसरे से हेल्प लेते थे कि भाई ये करना है, भाई वैसा करना है, और लाइक वो दोस्ती हमारी उस टाइप से रही भी है मेरी श्रेनिक की और अब्दुल की। तो श्रेनिक यार गेट की बात आ जाती है, जैसे कि अभी इंजीनियरिंग में है और एक गेट एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेक्टर होता है, पर लोगों को उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से पता नहीं है, उनको वेल नॉलेज नहीं है, वो उसके बारे में इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं कि अरे गेट देना चाहिए, क्यों सब दे रहे तो अपन भी देते हैं। पर अगर एक एग्जैक्टली अगर गेट पूछा जाए कि गेट के एग्जाम्स क्या है श्रेनिक, व्हाट इज गेट एग्जाम्स, अगर मैं बेसिक सा पूछूं तो सबसे पहले गेट का फुल फॉर्म तो होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियर्स। तो इसमें कुछ पीएचडी लेवल की चीजें नहीं है। सबसे पहले एक डर तो यही रहता है बच्चों को, गेट एग्जाम मतलब बहुत ही टफ एग्जाम है। इतना भी टफ नहीं है, टफ एक्चुअली एमटेक है, क्योंकि उसमें तुमको प्रोजेक्ट्स करने हैं, रिसर्च करना है। गेट इज जस्ट द गेटवे फॉर द अपॉर्चुनिटी, बेसिक लाइन वही है। अब वो गेटवे किसके लिए है, अगर आपको एमटेक करना है आईआईटीज आईएससी में, जो आप शायद बीटेक भी नहीं कर पाए थे उसमें, क्योंकि जेडब्ल्यू के मार्क्स अच्छे नहीं होंगे। या दूसरा, अगर तुमको रिसर्च करना है तो रिसर्च के लिए 3 साल आप डिवोट कर सकते हो, और वो गेट एग्जाम के थ्रू ही होता है। तीसरा, अगर तुमको एमई एमटेक नहीं करना है, टेक्निकल से पक चुके हो, एमबीए करना है, तो गेट के थ्रू एमबीए भी कर सकते हो। अगर इंडिया में नहीं करना है, फॉरेन से अगर टेक्नोलॉजी लेना है, तो जर्मन सिंगापुर ऐसी ऐसी कंट्रीज एक्सेप्ट करती है गेट के स्कोर्स, तो आप वहां से भी कर सकते हो आपका रिसर्च वर्क। और गेट एग्जाम से आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हो, जैसे टीचर बनना है आपको नॉलेज लेने के बाद। आजकल तो वेरियस कोचिंग भी है ऑनलाइन, तो आपको कहीं पर भी जॉब आराम से मिल जाती है। सो मेरा यही पर्सनल मानना है अगर, और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट वो तो मैं भूल ही गया, सरकारी नौकरी गवर्नमेंट जॉब। वैसे धीरे धीरे गवर्नमेंट जॉब्स कम हो रही है, तो एक थोड़ा सा नेगेटिव माहौल है, बट मेरा मानना ये है कि हर साल जॉब्स तो कम ही थी, जिस हिसाब से बच्चे हमेशा कहते हैं सर जॉब्स कम है, तो हर साल से वही सुन रहे हैं। तो मेरा मानना ये है गेट इज अ गेटवे टू दी वेरियस अपॉर्चुनिटीज। आपको जो पसंद है पहले वो डिसाइड करो और फिर गेट के लिए प्रिपेयर करो। वाह, सो ये अपना ये क्वेश्चन में अपने को इतना समझ गया कि गेट एक एग्जाम्स है जिसके थ्रू आप अलग अलग अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खोल सकते हो। सो देर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स, अगर आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स में जाना है आफ्टर इंजीनियरिंग, अगर मुझे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जाना है तो गेट एग्जाम्स की स्कोर्स वहाँ पे काम आते हैं, पीयूसीयूस और अलग अलग जगह के लिए। अगर आपको आईआईटी नहीं मिली तो आप आईआईटी में जा सकते हो एमटेक करने के लिए। और मेरा खुद का एक दोस्त जो मेरा मेंटोर था आदित्य सिंह करके, वो गेट क्रैक किया था और वो दिल्ली आईआईटी दिल्ली से वो पास आउट हुआ एमटेक से। एंड वो मेरे को लगा भी, मेरे को पहले से लगा था कि यार ये बंदा यार मेहनत कर रहा है।
तो यहाँ पे आ जाते हैं कि एलिजिबिलिटी इसकी क्या हो रहती है। अगर गेट एग्जाम्स की बेसिक एलिजिबिलिटी देखी जाए सैनिक, तो क्या एलिजिबिलिटी है, कौन एग्जाम्स दे सकता है गेट एग्जाम? सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको फर्दर स्टडीज करना है या नहीं। इंजीनियर में जब भी हम आते हैं तो हम बड़े कंफ्यूज रहते हैं करियर को लेकर के, क्योंकि अब तक तो एकदम सॉर्टेड फॉर्म था, यहाँ स्कूल हो गया 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड 10th में जो 90% लेकर आता है तो सबके घर पे वही है साइंस दिलवा दो तो वहां तक सॉर्ट होता है। साइंस में आ गए फिर क्या करना है, फिर इंजीनियरिंग करना है तो वो भी आगे, बट इंजीनियरिंग के आगे फिर दरवाजे खुलते हैं तो कंफ्यूजन रहता है कि आईटी में जाना है, सेल्स में जाना है, या फिर आगे फाइनेंस पढ़ना है, या आगे पीएचडी करना है, रिसर्च करना है, तो कंफ्यूजन रहता है। तो पहले एक तो आपको सेकेंड ईयर में एक्सप्लोर करना है कि मेरा जो डोमेन है वो मैं किस में फिट होता हूँ। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर मेरे को टेक्निकल में मजा नहीं आता, तो मे बी तुमको फाइनेंस में जाना चाहिए। फिर कोई कहता है सर मेरे को टेक्निकल ही करना है पूरी जिंदगी, हाँ तो फिर आपके लिए गेट एग्जाम है। मन में बना लिया है कि टेक्निकल ही करना है, उसमें आगे कुछ अच्छा करना है, प्रोजेक्ट करना है, या टीचर बनना है, या रिसर्च करना है, तो फिर गेट एग्जाम है। इधर डिसीजन आता है कि गेट के लिए मुझे चूज ऑप्ट करना चाहिए या नहीं। हाँ, एक बार आपने डिसाइड कर लिया उसके बाद थर्ड ईयर में आप गेट एग्जाम दे सकते हो। ये रिसेंट का भी पैटर्न है कि थर्ड ईयर वाले बच्चे गेट एग्जाम दे सकते हैं और फोर्थ ईयर वाले दे सकते हैं, पास आउट भी दे सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके अलावा अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि गेट एग्जाम आप लिख तो लेते हो, फिर फंसते कहां पर है? अगर आप इंजीनियरिंग में 65% मिनिमम मार्क्स नहीं लेकर आते तो फिर पीएसयू अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलती है, तो ये आपको नोट करना है। वैसे एससी एसटी ओबीसी जो स्पेशल कैटेगरीज है उनको रिलैक्सेशन मिल जाती है, बट जनरल वालों के लिए इंजीनियरिंग में मिनिमम 65% मार्क्स तो होना ही होना चाहिए, नहीं तो फिर बाद में आगे गेट करके भी कुछ फायदा नहीं होगा। अरे ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मतलब तुम क्रिएटिविटी लगा के गेट दे रहे हो तो ऐसा मत करो, पहले अपनी जब पढ़ाई है नॉर्मल उसको भी साथ में रखो और उसको 65% रखो, ताकि आगे जब तुम गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करो तो तुम्हें वो दिक्कत ना आए। वाह अमेजिंग। तो ये डिसीजन जो है, बहुत लोगों को जो डिसीजन होता है कि किनको गेट एग्जाम्स देनी चाहिए, जैसे तुमने थोड़ा सा बताया, तो कितने लोग होते हैं कि मेरे को बहुत लोग ये क्वेश्चन भी पूछते सैनिक कि यार सुमेर भाई मैं जॉब की भी प्रिपरेशन करने की सोच रहा हूँ, मैं गेट भी देने का सोच रहा हूँ और पढ़ाई भी चल रही है, तो ये जो तीन चीज़ें मैनेज करते हैं और दो नावों पे कभी कभी हम पैर रखते हैं, तो इससे क्या ये सही है पहली चीज़? और अगर बहुत लोग जॉब की भी प्रिपरेशन करते हैं बिहाइंड द सीन और साथ में गेट भी देते हैं, तो ये इसमें तेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है भाई? सबसे पहले वो जो दो नाव पर पैर रखने वाली चीज है वो इसलिए होता है क्योंकि सभी लोग को बैठे बैठे सारा ज्ञान चाहिए। अगर बैठे बैठे सारा ज्ञान मिलता तो स्कूल और कॉलेजेस में हम हो जाते पीएचडी, रियल लाइफ में उतरने की जरूरत ना होती। तो सारा ज्ञान बैठे बैठे नहीं मिल सकता, कुछ चीजें करके ही समझ में आती है। तो वो जो बात है, इसलिए मैं हमेशा फोर्स करता हूँ जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ते हैं कि सेकेंड ईयर में आप ट्राई करो, इंटर्नशिप्स करो, आप प्रोजेक्ट्स पर काम करो, आप कहीं स्टार्टअप में काम करो, आप कहीं वर्क फ्रॉम होम करो, बट तुम काम पे लगो, काउंसिल्स में जुड़ो, ताकि तुमको प्रैक्टिकल नॉलेज मिले। अब जैसे ही तुम काउंसिल में जाओगे तुमको पता चलेगा अरे कोई यहाँ पर वेबसाइट बना रहा है, कोई सेल्स संभाल रहा है ना, कोई टीचर और फंड्स मैनेज कर रहा है, तो तुमको मालूम पड़ेगा मैं कौन से कैटेगरी में फिट होता हूँ, क्या मैं अच्छा मैनेजर हूँ, या मैं अच्छा टेक पर्सन हूँ, या मैं अच्छा कम्युनिकेटर हूँ। तो आपको पहले वो आइडिया आ जाता है, और जैसे ही आइडिया आ जाता है फिर आप आगे बढ़ सकते हो। वो जो डायलेमा है कि गेट लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वो तभी क्वेश्चन आता है जब आपने एक्सप्लोर नहीं किया है डोमेन्स को। एक बार एक्सप्लोर कर लेते हो डोमेन्स के, कोडिंग करके देख लिया, जमता है तो करियर बनाऊंगा, नहीं जमता है तो नहीं करूंगा। अब कोई उसको कहेगा कि बैठे बैठे बता दो यार कोडिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो कैसे बता पाओगे? सो कुछ चीजें करके ही समझ में आती है, उसको बताया नहीं जा सकता। इसलिए मैं हमेशा कंपलसरी ऐसे लिख ही देता हूँ सेकेंड ईयर में एक्सप्लोर करना है। बच्चे सेकेंड ईयर से गेट के लिए प्रिपेयर करते हैं वो आपको नहीं करना है, गेट की प्रिपरेशन सेमिस्टर फोर के बाद ही करनी है। सेमिस्टर वन टू थोड़े से मटर गश्ती कर सकते हो, नए नए इंजीनियरिंग में आते हो तो पहले से प्रेशर नहीं लेना है, थोड़े दोस्त बनाओ, थोड़ा माहौल देखो, बट फिर सेकेंड ईयर से काम पे लग जाओ। थर्ड ईयर तक आइडिया आ जाता है कौन से डोमेन में जाना है, फोर्थ ईयर तक रेडी हो जाते हो। ये मुझे और सुमेर को बताने वाला कोई नहीं था, हम तो थर्ड ईयर तक ऐसे थे कि करना क्या है जिंदगी के साथ, तो वो एक था। फिर सीनियर्स की कहानी सुनते थे, स्टोरीज सुनते थे, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया आता था कि भाई ऐसा भी हो रहा है, कॉलेज में माहौल है, हमको कुछ अच्छा रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि जिंदगी में करना क्या है। तो पहले से हम लोग ने आपको बता दिया ये चीज, सो इस गाइडलाइंस को फॉलो करना ताकि पता रहे कि गेट देना है कि नहीं देना। वैसे कंपलसरी है नहीं गेट एग्जाम कोई भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए, ये कंपलसरी कहा गया है, किधर भी वो मेंशन नहीं है। और जैसे लास्ट में बताया तुमने कि गेट एग्जाम क्या, लास्ट क्वेश्चन क्या था?
वही एक्चुअली तेरा क्वेश्चन से ही मेरे को आंसर मिल गया। लोग सेकेंड ईयर से ही तुम्हें एक्सप्लोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या ताकि यार अपन सोचते क्या नहीं, अभी तो इंजीनियरिंग में घुसे, अभी तो अपन देखेंगे यार, मतलब फाइनल ईयर में जाके तो लोगों की आंखें खुलती है कि अच्छा अब गेट देखता हूँ और साथ में मैं जॉब की भी प्रिपरेशन करता हूँ। तो फाइनल ईयर इज नॉट द राइट टाइम टू स्टैंड ऑन बोथ द बोथ। सबसे पहली चीज आई गॉट इट, द इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज के दो जैसे जॉब के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, गेट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, जितने भी स्टूडेंट अभी भी फोर्थ ईयर में है वो भी यही सोच रहे हैं, मनीमन सर गेट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ तो जॉब छूट जा रहा है, जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ तो गेट छूट जा रहा है। तो ये तो सर वो हाइसेनबर्ग वाला प्रिंसिपल है, टाइम फ्रीक्वेंसी वाला, एक को बढ़ाए दूसरा कम हो जाता है, तो क्या करे इसमें? तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि गेट थर्ड ईयर में दे रहे हो या फोर्थ ईयर में, और प्रिपरेशन की लेवल क्या है। अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो कि इस बार गेट हो जाएगा तो बैकअप में एक छोटा सा जॉब ले लो, 3 लाख का जॉब, 4 लाख का जॉब जो आपका होता है, जो एप्टीट्यूड क्लियर करके मिल जाता है, जैसे एक्सेंचर हो गया, इंफोसिस हो गया, TCS हो गया, जिसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती, आराम से मिल जाता है। जो बड़े बड़े पैकेजेस होते हैं 8 लाख 9 लाख 10 लाख, तो वो तो टेक्निकल राउंड में आपको बहुत ही खतरनाक सवाल पूछेंगे, तो उधर जॉब मिल पाना तो उसके पीछे प्रिपरेशन चाहिए, बट उतना टाइम तो है नहीं, गेट के लिए भी प्रिपेयर कर। तो मेरा मानना यह है बैकअप में एक छोटा सा जॉब होना चाहिए, कल को उठ करके फेल हो गए तो वो जॉब है जिस पर रिलाई कर सकते हो, और यही है। तो एक जॉब तो होना ही चाहिए, इसके लिए एप्टी जरूरी है, और इंजीनियरिंग का मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए 7+ CGPA, तो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, जॉब लग जाती है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। कॉलेज कैंपस नहीं हो रहा है तो ऑफ कैंपस ट्राई करो, बट जॉब तो मिल ही जाती है, और फिर गेट के लिए प्रिपेयर करो। इस बार हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर दे सकते हो, तो उसमें कोई टेंशन वाला बात नहीं है कि इस साल ही गेट देना है, इस साल ही क्लियर करना है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर भी कर सकते हो। कूल cool. तो एक बैकअप प्लान हमेशा रखो कि नहीं भाई जॉब के लिए रखना है मेरे को, और अगर तुम अभी समझो 4 महीने बचे और तुम सोच रहे हो कि मेरी गेट की भी प्रिपरेशन नहीं हुई और जॉब की भी प्रिपरेशन है, तुम्हारा अभी फाइनल ईयर चल भी रहा है, तो पहले जॉब के लिए अप्लाई कर लो, क्योंकि 4 महीने में अगर आपको लग रहा है यार अपनी नहीं होगी, अपन नहीं फोड़ पाएंगे, तो यार फिर दोनों से छूट जाओगे, अपन जॉब से भी छूट जाएंगे और साथ में गेट से भी छूट जाएंगे। तो इसलिए अभी पहले यार क्या ठीक है, अभी इस बार तो वैसे भी मेरी उतनी तैयारी नहीं हुई है तो ऐसे ही दे देता हूँ, लेकिन साथ में अपनी जॉब की तैयारी कर लेता हूँ और फिर गेट में मैं अगली बार और अच्छे से तैयारी करूँगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ना, मतलब मैंने देखा है श्रेनिक, और मैंने एक वीडियो भी बनाया था, मैंने एक ही लाइफ में वीडियो बनाया है कि मुँह उठा के गेट एग्जाम का फॉर्म मत भरो भाई, क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा है कि यार मैं बोला तू क्यों भर रहा है, क्योंकि मेरे टाइम पे अपन भी तो इंजीनियरिंग में थे ना, तब गेट की हाइप आई थी कि अपने को तो एग्जैक्टली पता है कि मेरे को मालूम था कि मेरे को वीडियोस बनाने भाई और मेरे को गेट में नहीं जाना था, पर लोग मुंह उठा के फॉर्म भर रहे थे, अरे सब लोग भर रहे तो मैं भी भर रहा हूँ। तो मैंने बोला था यार ऐसे मत करो, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्यों कर रहे हो ये चीज़, तो तुम्हें एटलीस्ट एक नॉलेज होनी चाहिए, तुम्हारा विजन और तुम्हारा ठानली वाली बात होनी चाहिए यार कि तुमने ठाना है तब तुम वो चीज़ कर रहे हो, मुंह उठा के तो मत जाओ यार गेट एग्जाम्स में। तुझे क्या कहना है इस बात पे ब्रो? कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मेरे दोस्त ने 6 महीने प्रिपरेशन की और उसका गेट क्रैक हो गया, मैं 1 साल से प्रिपेयर कर रहा हूं बट मेरा गेट क्रैक नहीं हो रहा है। बट वो समझते नहीं है कि सभी का IQ सेम नहीं है, सभी का स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं है। जो अगर 6 महीने में गेट क्रैक कर रहा है, इसका मतलब उसने इंजीनियरिंग में बेसिक्स क्लियर किए थे, और जो 1 साल में अगर गेट क्रैक नहीं कर पाया तो वही बात है ना कि सर गधा इतना मेहनत करता है तो बट शेर को किंग ऑफ जंगल क्यों कहा जाता है, मेहनत तो बहुत गधा करता है ना। सो द पॉइंट इज आप मेहनत करते हो, इस पर आउटकम डिसाइड नहीं होता है, मेहनत किस डायरेक्शन में है वो होता है डिसाइडिंग फैक्टर कि आपका आउटकम अच्छा आएगा या नहीं। तो जिसका गेट क्रैक नहीं होता है तो बड़ा कठिन होता है कि एक्सेप्ट करना कि मैंने गलती की है। हम सबकी प्रॉब्लम्स क्या है, गलती हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, गलती दूसरों पर डाल देंगे, सिस्टम खराब है, टीचर खराब है, कोचिंग वाले खराब है, ये खराब है, पेरेंट्स खराब है, हम खराब नहीं है, हम अच्छे हैं, सक्सेस आ गया तो मैंने ऐसा किया, मेरे बदौलत सक्सेस हुई है, किसी और को हम क्रेडिट्स नहीं देते। तो यही प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट्स गेट क्रैक नहीं कर पाते, रीजन वो होता है कि वो मेहनत सही डायरेक्शन में नहीं करते। मेहनत सभी करते हैं, स्मार्ट वर्क नहीं करते, यूट्यूब वीडियोज हो जाए या फिर कोई करियर हो जाए, सभी मेहनत करते हैं, आउटकम किसका आता है जो सही डायरेक्शन में करता है, बस यही बात है। तो इसको हम कह सकते हैं कि आपको स्मार्ट वर्क भी करना है हार्डवर्क के साथ साथ। लोग सिर्फ हार्डवर्क करे जा रहे हैं तो उनको अलग अलग स्ट्रैटेजीज और बार बार चीज़ें अपनी चेंज करते रहना है। इसी में एक और जैसे अपनी अभी थोड़ी सी डिस्कशन में मेरे को इतना तो समझा कि पहला मेरा क्वेश्चन था कि फ्रॉम व्हेन टू प्रिपेयर, कब से प्रिपरेशन करनी है गेट की, तो सेकेंड ईयर के बाद से तुम गेट की प्रिपरेशन कर सकते हो ऐसा मुझे लगता है। एक और चीज़ है कि तुम्हें, और दूसरा जो क्वेश्चन था कि वेयर टू प्रिपेयर, कहाँ से पढ़ना है गेट के लिए प्रिपरेशन, ये दो मोटे मोटे क्वेश्चन है। और इसी के साथ साथ श्रेणी तो ये भी इंक्लूड कर सकता है कि इंजीनियरिंग के भी काफ़ी सब्जेक्ट्स तुम्हारे गेट में इंक्लूडेड होते हैं,
तो अगर आप उनको भी अच्छे से पढ़ के रखेंगे फर्स्ट ईयर से, अगर आप उन पर ध्यान दे रहे हैं तो तुम्हारे गेट में उसकी भी मदद होगी। तो वेन टू प्रिपेयर एंड वेयर टू प्रिपेयर, ये दोनों मेरा मेन क्वेश्चन है कि कब से तैयारी करनी है। जो एक बेसिक सा तुमने बता दिया है कि थर्ड ईयर से करनी चाहिए, पर इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई अगर आप तुम फर्स्ट ईयर से भी कर रहे हो तो वहाँ पे भी तो तुम्हारा गेट में मदद हो रही है ना, यू गॉट मी। तो ये दोनों क्वेश्चंस के आपको कितने को लगता है आंसर्स? सबसे पहले तो वेन टू प्रिपेयर ये बड़ा डाउटफुल होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को वेन बता दिया तो वो तो कह देंगे फर्स्ट ईयर से ही गेट के लिए प्रिपेयर करो, बट इंटरेस्ट है क्या? और वो इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में पता ही नहीं चलता ना। जैसे बच्चा पैदा हो गया और उसको कहा जाए कि बताओ करियर में क्या करना है, और उसको पता ही नहीं कि कौन सा करियर करना है और क्यों करना है, तो फर्स्ट ईयर से तो थोड़ी ना वो मेहनत करेगा करियर के डायरेक्शन में। जब पता चलेगा तब मेहनत करेगा। और इंजीनियर की खासियत ये है ना, लास्ट मोमेंट ट्यूशन का मतलब क्या है, लास्ट मोमेंट भी क्यों ना होने तो हम फोल्ड करके बता देंगे। तो इंजीनियर का काम ही ये है कि हाई एफिशिएंसी लेस टाइम में, तभी तो वो इंजीनियर कहना ले नायक है, नहीं तो लास्ट मोमेंट ट्यूशन का मतलब क्या है? ठीक है कि वो इंजीनियर है, लास्ट मोमेंट में भी पास कर सकता है, कम टाइम में भी फोड़ सकता है। तो बस यही बात है कि स्टार्ट से किसी को पता नहीं होता, फर्स्ट सेमेस्टर से किसी को पता नहीं होता, तो ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है कि फर्स्ट सेमेस्टर से नोट्स बना और प्रिपरेशन करो, वो करने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरा, कहाँ से पढ़ाई करना है, कहाँ से पढ़ाई करना है, उसके लिए ऑनलाइन वीडियोज है, मेरा खुद का भी ऐप है श्रेणी जैन स्टडी सिंप्लीफाइड, तो उस ऐप के अंदर अफोर्डेबल प्राइस पर कोर्सेस है, तो आप मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड वहां से भी कर सकते हो। सो 99 प्लस जीएसटी ये कॉस्ट है कोर्सेस की, तो आप मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड कर सकते हो वहां से। उसके अलावा और भी है, फ्री वीडियोस यूट्यूब पर मिलते हैं आपको, या फिर कोई प्लेटफॉर्म्स है ऑनलाइन कोचिंग, जैसे बड़ी बड़ी फंडिंग कंपनीज है तो वो भी प्रोवाइड करती है। तो रिसोर्सेज की कमी नहीं है, आज की तारीख में रिसोर्सेस अनगिनत है, बस बात वही है कि आपको करना या नहीं करना, नहीं तो फिर आप वही एक डायलेमा में फंस जाओगे जो कहता है कि मेरे पास इंटरनेट नहीं है, मैं गांव में हूँ। ठीक है, काश मेरे पास इंटरनेट होता तो मैं कितना पढ़ाई कर सकता, बट वही चीज जिसके पास इंटरनेट है वो सोच रहा है कि यार मेरे पास वाईफाई क्यों नहीं है, वाईफाई होता तो मैं कितना और पढ़ाई कर सकता। अब जिसके पास वाईफाई है वो ये सोचता है यार मेरे पास इतने सारे ऑप्शन है, कौन से टीचर को फॉलो करूं मैथ्स पढ़ने के लिए या कोर सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, काश मेरे पास कोचिंग का एक्सेस होता, अगर ऑफलाइन कोचिंग में होता तो कितना बढ़िया होता, सामने टीचर पढ़ा रहा है, सामने डाउट पूछ सकते हैं और दोस्त भी मिलते हैं। और जो कोचिंग में वो कह रहा है भला 8 घंटा एक साथ कौन पढ़ाई कर सकता है, काश मेरे पास वाईफाई होता, घर बैठे बैठे आराम से पढ़ाई करता रात को सुबह, तो वो डायलेमा में मत फंसना। लूप घूमता है। हाँ, तो ये डायलेमा में मत फंसना तुम भी, कि जो है रिसोर्स उसको कम समझ रहे हो। जितना भी रिसोर्स है कहां पर भी तुम हो, ये हिस्ट्री गवाह है कि गांव का बच्चा भी टॉपर है, इंटरनेट यूज करके मोबाइल से पढ़ने वाला भी टॉपर बनता है, वाईफाई वाला और कोचिंग वालों से भी टॉपर निकलते हैं। तो जहां पर आप हो बिल्कुल सही हो, तो उसमें आप ये कभी मत कहना रिसोर्सेस कम है, जितने हैं बढ़िया है, उसमें से कैसे एफिशिएंटली आगे बढ़ना है इस पर एनर्जी लगाओ, इस पर प्लानिंग करो, तब रास्ते मिलेंगे, तब सफलता मिलेगी। और कैसे करना है वो मैंने बता दिया, ऑनलाइन वीडियोज है, नोट्स बनाओ, बुक्स अवेलेबल है अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर, स्टैंडर्ड बुक्स है, तो सब जगह से रिसोर्सेस है, तो रिसोर्सेस की कमी नहीं है। वेबसाइट पर डालोगे तो आज का एक ही टीचर है गूगल, गूगल से पूछो तो सारे आंसर्स मिलते हैं। ठीक है, बट गूगल पर पूछते ही क्या है कि सब नेगेटिव बात है कि गवर्नमेंट जॉब्स की अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं है, है ना, आईटी में प्लेसमेंट क्यों नहीं हो रहा है, बस यही सर्च कर रहे हैं कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, उसको किसी के बारे में नहीं जानना। अमेजिंग 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 ब्रो। शरिंग, मेरा एक और क्वेश्चन है कि क्या मिस्टेक्स लोग गेट एग्जाम्स देने के टाइम या फिर गेट की प्रिपरेशंस में करते हैं, क्योंकि तेरे को बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग तेरे को पर्सपेक्टिव पता होंगे, अलग अलग चीज़ें पता होगी, तो ऐसी कौन सी 3 मिस्टेक्स है अगर मैं टॉप 3 कहूँ तो जो लोग बच्चे करते हैं और जिसकी वजह से उनका गेट क्रैक नहीं होता? या फिर सबसे पहले तो गेट क्रैक इसलिए नहीं होता है क्योंकि कंपैरिजन ज़्यादा करते हैं, और कंपैरिजन अपने आसपास के दोस्तों से क्यों कर रहे हो? तुम तो ऑल इंडिया एग्जाम लिखने वाले हो ना, तो क्या सभी से कम्पीट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना सभी से, तो सभी से कम्पीट नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा कंपटीशन तुम खुद हो। जब तुम अपने आप को इम्प्रूव करोगे तब अच्छा रैंक आएगा, अच्छा मार्क्स आएगा, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तुम्हारा कॉम्पिटिशन तुम खुद हो। होता क्या है, लाइव क्लास में जुड़ेंगे या फिर कोई टेस्ट देंगे और कहेंगे यार ये कौन सा लड़का ये हर बार फास्ट आंसर देता है ना, मैं दे नहीं पा रहा हूँ, ये दे पा रहा है। ठीक है, तो वो कंपैरिजन वाला खेल आपको नहीं खेलना है, नहीं तो डीमोटिवेशन, फिर बाद में फ्रस्ट्रेशन, इसके अलावा हाथ में कुछ नहीं आएगा। और दूसरा रीजन क्यों नहीं कर पाते, तो ऑनलाइन की इसमें बहुत सारे फैक्टर्स जुड़ गए हैं, जैसे हेल्थ इशू, कॉलेज का काम ऑनलाइन, प्रिपरेशन ऑनलाइन, एंटरटेनमेंट ऑनलाइन, यूट्यूब देखना, वेब सीरीज देखना, मूवीज देखना, सब ऑनलाइन हो रहा है। इस वजह से हो क्या रहा है, हेल्थ इश्यूज, आंखों में से पानी आता है, सर दर्द होता है, ठीक है, कमर दर्द होता है, तो लास्ट में इसका इफेक्ट निकलता है कंपाउंड इफेक्ट, जिसको मैं कहता हूँ कि अगर तुम स्टार्ट से किस चीज पर ध्यान नहीं दोगे
तो लास्ट में वो कंपाउंडिंग होकर के आएगा और फिर आपको बहुत ही तकलीफ देगा। तो ये एक रीजन होता है जिसकी वजह से गेट एग्जाम क्रैक नहीं होता। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि गेट एग्जाम बड़ा लेंथी है इसलिए क्रैक नहीं होता। मेरा मानना बिल्कुल गलत है कि लेंथी है इसलिए क्रैक नहीं होता, क्योंकि ये एक्सक्यूज वही लोग देते हैं जो सही ढंग से प्रिपेयर नहीं करते। उनको लगता है लेंदी है, बाकी लेंदी नहीं है। सबका अलग अलग स्टाइल होता है। बीटेक जब आप पढ़ते हो तो वो एक अलग स्टाइल होता है, इंटरव्यू के लिए पढ़ते हो तो अलग स्टाइल होता है, वैसे ही जब गेट के लिए प्रिपेयर करते हो तो उसका एक अलग स्टाइल है। सीख गए वो स्टाइल तो फिर इजी लगेगा, नहीं सीखे तो टफ ही है। ओके, अमेजिंग अमेजिंग। तो पेपर देने के टाइम अगर सैनिक तो कुछ टिप्स दे रहा है कि समझो कल मेरा पेपर है या फिर अभी मेरा पेपर है अगले 3 घंटे में, तो उनको तो क्या टिप्स देना चाहेगा? क्योंकि समझो मैंने तैयारी कर ली है, मैंने मेरा रिवाइज करके मैं बैठा हूँ, अभी मुझे क्या चीजें रखनी है अपने माइंड में, और समझो या फिर आज रात लास्ट मोमेंट टिप्स, कल पेपर है आज के लिए क्या करना है? तो मैं तो वही कहना चाहूंगा, एक मिनट का जो नीरज चोपड़ा के मेंटर ने कहा था कि नीरज चोपड़ा जब भाला फेंक रहा था उसको गोल्ड मेडल चाहिए था, तो उनसे पूछा गया था कि मेंटर ने इसको बोला क्या था, भाला फेंकने से पहले बोला क्या था? सो मेंटर ने एक ही चीज बोली थी कि तू एंजॉय कर, है ना, तू टेंशन मत ले रिजल्ट का। जैसे धोनी भी कहते हैं कि अगर पूरे साल मेहनत की है तो एक दिन से फर्क नहीं पड़ता, और अगर पूरे साल मेहनत नहीं की है तो भी एक दिन से फर्क नहीं पड़ता। बस बात क्या है कि हम आउटकम के प्रेशर में कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देते हैं, रिजल्ट्स के प्रेशर में कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देते हैं। तो एक मेंटर का काम ही वो होता है कि रिजल्ट्स की चिंता मत कर, प्रिपरेशन किया है तो बस उस पर कॉन्फिडेंट रह, अपने आप पर भरोसा रख, है ना, और भगवान पर भरोसा रख के तूने अगर सही से किया है तो चीजें सही से हो जाएगी, ठीक है। तो यही मेरा एक टिप रहता है लास्ट मिनट पर कि ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से किया है तो अच्छा हो जाएगा, ज्यादा सोच करके सिर्फ प्रेशर डेवलप होता है और कुछ नहीं होता उसके अलावा। वाह वाह, दैट्स अमेजिंग। ऑलमोस्ट शायद से मेरे सारे क्वेश्चंस हो गए, प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज के बारे में हो गया, जॉब और गेट का क्वेश्चन हो गया, हाउ टू मैनेज गेट एग्जाम्स विद स्टडीज। इस क्वेश्चंस पे कि स्टडीज के साथ गेट एग्जाम्स कैसे मैनेज करना है, अगर इस पे हम टॉपिक पे बात करें तो जनरली इंजीनियरिंग सब्जेक्ट और गेट एग्जाम ओवरलैप है। ऐसा नहीं है कि गेट के सिलेबस डिफरेंट है इंजीनियरिंग से, जबकि ईएससी का एग्जाम देखो तो ईएससी का एग्जाम ओवरलैप नहीं करता है। बहुत सारी चीजें न्यू होती है, जैसे जनरल स्टडीज हो गया, बाकी चीज हो गई, तुमको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, बट गेट में ऐसा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं पड़ता है, जो इंजीनियरिंग में पढ़ा है उतना ही पढ़ना है। तो अगर इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स आपके स्ट्रांग है तो गेट का सिलेबस जल्दी से खत्म हो जाता है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ट्राई करना कि कंसेप्चुअली पढ़ो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रैंक के पीछे मत भागना कि ये सेमिस्टर एग्जाम में फर्स्ट रैंक लेकर आना है, सेमिस्टर एग्जाम में 9+ पॉइंटर लेकर आना है, उसके पीछे मत भागना। रैंक जो है आपके कॉलेज का, उससे सिर्फ आपको स्कॉलरशिप या एडिशनल पैसे मिलेंगे, और सीजीपीए जो है 9+, उससे ज्यादा कुछ होगा नहीं, क्योंकि सीजीपीए जस्ट दी कहते हैं ना टिकट फॉर दी इंटरव्यू, टिकट फॉर दी एमटेक, टिकट फॉर दी पीएससी, उसके अलावा ज्यादा कुछ है नहीं सीजीपीए। तो उसको कंप्लीट चीजें नहीं माननी है, जैसे आपके कॉलेज के प्रोफेसर कहते हैं कि हमारे लेक्चर्स बैठो, 100% अटेंडेंस लेकर आओ, है ना, 100% मार्क्स लेकर आओ तो देखो तुम्हारा फ्यूचर सेट होगा, वो गलत है। उसके पीछे उनका प्रोपोगेंडा है कि उनको अटेंडेंस हाई चाहिए, है ना, इसीलिए वो ऐसा आपको कहते हैं कि उनके क्लास में स्टूडेंट्स बैठने चाहिए, इसलिए वो डर आपको सेल करते हैं जैसे LIC वाले सेल करते हैं। बट एज एन इंजीनियर, है ना, एज अ टीचर, मैं खुद एक टीचर हूँ, बट मैं कभी फोर्स नहीं करता क्योंकि मैं कॉलेज का टीचर नहीं हूँ। मेरे यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं क्योंकि उनको पढ़ना है, क्योंकि उनको समझना है, क्योंकि उनको सही रास्ता चाहिए। तो मेरा काम है सच बोलना, तो वही मैं सच बोल रहा हूँ कि कॉलेज में मिनिमम परसेंट से 1% भी ज्यादा अटेंडेंस मत रखना। 75% क्या, बस 75-76 भी मत करना, क्योंकि जितना एडिशनल करोगे वो आपका वेस्ट है। उतना ही टाइम आप स्किल डेवलपमेंट में लगाओ, एक्सप्लोरेशन में लगाओ, यूट्यूब वीडियोस बनाओ, कुछ नया ट्राई करो, कुछ एक्सप्लोर करो। तो यही है कि कॉलेज का आपका जो सब्जेक्ट है वो ओवरलैप होता है गेट से, तो ट्राई करना कि कॉलेज में कंसेप्ट क्लियरेंस पर ज्यादा फोकस करो। दैट्स अमेजिंग, दैट्स रियली अमेजिंग। बस यही था यार, मेरे को मालूम था यार श्रेणिक सही तरह से बताएगा लोगों को कि यार किस तरह से गेट की क्या होती है। एक लास्ट टिप अगर श्रेणिक जो भी गेट एस्पिरेंट है उनको अगर तो देना चाहता है कि भाई यार अभी समझ ठान लिया है मैंने कि भाई मेरे को करना है, मैं अपनी थर्ड ईयर से तैयारी कर रहा हूँ, फोर्थ सेम हो गया है अभी से, मेरी प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे IIT जाना है MTech के लिए, मैंने ये ठाना है समझ, या फिर मुझे गेट एग्जाम्स क्रैक करनी है, अच्छी खासी क्रैक करनी है, और अगर क्रैक करने पे भी आ जाता है तो क्रैक करना क्या होता है? अगर 100 मार्क्स का, कितने मार्क्स का पेपर होता है गेट वैसे? सो गेट बेसिकली 100 मार्क्स का पेपर होता है, 65 क्वेश्चन होता है,
और उसका जो जैसे तुम कहते हो कि क्रैक करना इन दी सेंस, तो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है वो रेंज करता है 17% से 30% के बीच में, वो डिपेंड करता है पेपर का टफनेस कैसा है। सो 17 मार्क्स से 30 मार्क्स तो आप मान सकते हो कि यहाँ पर रेंज होता है। जनरली पाया गया है ऑन एन एवरेज 26 सभी सभी ब्रांच के लिए होता है। 26 मार्क इज दी जनरल, आप मान करके चलना कि यहाँ पर इतना अगर लेकर आ गए तो गेट क्वालिफाई कर गए, ओके, और अगर उतना नहीं लेकर आए तो गेट क्वालिफाई नहीं किए। और अगर जिसने ठान लिया है कि गेट करना ही करना है, तो सबसे पहले तो वो ठानना पड़ेगा। मेरा मेरा एक पर्सनल ये है कि कुछ लोग कहते हैं सर मैंने एक सपना बनाया है कि मेरा एक ड्रीम है, तो ड्रीम तो सभी लोग देखते हैं ना। ड्रीम देखने में और ड्रीम अचीव करने में फर्क होता है हंगर का, भूख किसकी कितनी है। जिसकी बड़ी भूख है वो रुकेगा नहीं, वो चलता रहेगा चलता रहेगा। वो ये नहीं कहेगा संडे को एंजॉयमेंट चाहिए, वो ये नहीं कहेगा अरे मेरा दोस्त देखो व्हाट्सएप की स्टेटस में किधर किधर घूमने जा रहा है, मैं तो नहीं जा पा रहा हूँ, शिट यार मैं क्या करूं, मैं ये करूं। तो अगर जो ऐसे ख्यालों में घुमा हुआ है तो वो हासिल नहीं कर पाएगा। बट जिसके अंदर भूख है कि चाहिए ही चाहिए, IIT में MTech करना ही करना है, PSU में जॉब चाहिए ही चाहिए, वो जो हंगर है वो हंगर उससे काम करवाएगी और उसको सफलता प्राप्त करवा करके देगी। बट जो सिर्फ ये सपना बनाता है, तो सपने सब लोग देखते हैं, सिर्फ अचीव कुछ लोगों का होता है। वो फर्क, वो जो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है ना, कि तुम्हें ही क्यों मिलेगा, तुम्हारे दोस्त को क्यों नहीं मिलेगा, वो तुम्हें फाइंड करना पड़ेगा खुद से। एस्पिरेंट देखा ना तू, तो एस्पिरेंट कि तुम्हें ही क्यों मिलेगा अपना, ये क्या कहते हैं, तुम ही IAS क्यों बनोगे, तुम्हारा दोस्त क्यों नहीं बनेगा। तो वो एक फैक्टर होना चाहिए जिसको मैं एक्स फैक्टर कहता हूँ। सभी के पास खजाना दिया है, प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारे खजाने तुम्हारे अंदर है, तुम ढूंढते हो बाहर, तो बाहर तो मिलेगा नहीं, तुम्हारे अंदर है, तो तुमको वो खोजना पड़ेगा कि तुम्हारे पास क्या स्पेशलिटी है। होता क्या है इस दुनिया में, हम क्या करते हैं, मछली को कहते हैं कि तुम शेर की तरह दहाड़ो, शेर को कहते हैं तुम मछली बनो, है ना, तो ऐसे उल्टे सीधे काम करवाते, इसलिए हम भटक जाते हैं। तो वहां पर हमारे जो संस्था है इस्कॉन और ये सब, ये हेल्प करता है टू मेक श्योर आप सही रास्ते पर जाओ। तो बस मेरा भी यही मानना है कि स्टूडेंट को पता होना चाहिए खजाना अंदर है, बाहर में ढूंढो अपने अंदर, और वो अंदर ढूंढने के इंस्ट्रूमेंट है एक्सप्लोरेशन। इसलिए मेरे को इंजीनियरिंग की, मेरे लिए अगर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन पूछेगा ना शनि, तो फॉर मी इट्स अ जर्नी टू फाइंड अ पैशन एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट हियर। अगर लोग जो करते हैं ना, लाइक मैंने इंजीनियरिंग में बहुत कुछ किया भाई। जैसे मैं बताया, मैं थर्ड ईयर में गाने लिख रहा था, मेरे को लग रहा था मैं बीट बॉक्सर बन जाऊंगा, और फिर मैं टीचर बन रहा हूँ, और अभी पता नहीं मैं क्या क्या करते रहता हूँ, अभी भी मैं करते रहता हूँ ब्रो। सो वो जो चीज़ें हैं ना, कि मतलब तुम कुएं की मेंटालिटी मत रखो, समंदर की मेंटालिटी रखो, और जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे, तुम्हें अगर पता चल गया कि तुम स्विमिंग अच्छी करते हो, तुम फिश हो, तो तुम्हें फिर अगर तुमने पता कर लिया ना, तो लोग तुम्हें आके फिर नहीं बोलेंगे कि पेड़ पे चढ़ बंदर बन के दिखा। तो तुम्हें वो फिगर आउट करना है, और वो तुम करके टाइम जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे उतना कर पाओगे। बट इट वॉज एन अमेजिंग सेशन, थैंक यू सो मच श्रेनिक फॉर टेकिंग आउट योर टाइम। गाइज डू चेक आउट श्रेनिक यूट्यूब चैनल, श्रेनिक के 3 यूट्यूब चैनल है, एक है श्रेनिक जैन जहाँ पे वो गेट्स की गाइडेंस देता है, मोटिवेशंस करता है, और बहुत सारी वहाँ पे तुम्हें नॉलेज मिलेगा। दूसरा है स्टडी सिंप्लीफाइड, जहाँ पे आपको एप्टीट्यूड और मैथ्स मिलेगा गेट के लिए। और तीसरा है जॉब अपडेट्स के बारे में। जॉब अपडेट्स का नाम क्या श्रेनिक अपने चैनल का? जॉब अपडेट्स बाय श्रेनिक जैन। जॉब अपडेट्स और श्रेणी जैन, जहाँ पे आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स की जॉब अपडेट और बाकी जॉब अपडेट्स भी मिलती है। तो इन तीनों चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो। अपने भाई का चैनल है यार, तो गो एंड डू चेक आउट दैट चैनल्स, आपको सच में बहुत वैल्यू मिलेगी, इतना मैं आपको अश्योरिटी देता हूँ। एंड दैट्स इट, आप श्रेणी जैन को फॉलो कर सकते हो, इनके खुद का, इसका खुद का ऐप है भाई का, तो आप एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वहाँ से भी प्रिपेयर कर सकते हो। एंड दैट्स इट, सो दैट वॉज द पॉडकास्ट, आई होप यू ऑल लाइक इट, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो LMT के भी, ताकि हम ऐसे और पॉडकास्ट लेके आते